स्थिरता मन में वाच प्रतिष्ठित वस्तु का निरूपण करना।
सापेक्ष बृहत्ता का निरूपण नहीं बल्कि अत्यंत निरपेक्ष बृहत्ता का निरूपण करना, ये ब्रह्मसूत्र का विषय है। और जो अत्यंत निरपेक्ष बृहत्ता है वो किसी की बृहत्ता नहीं है, वस्तुतः बृहत्ता स्वयं। एक तो होता है कि यह व्यक्ति बड़ा है, एक होता है आकाश बड़ा है, है ना, एक होता है पहाड़ बड़ा है। तो जब कोई चीज बड़ी होती है तो वहां पर जो बृहत्ता है वो विशेषण हुआ करता है। बड़ा होना विशेषण है और जो वस्तु है वो विशेष है। यह संबंध लौकिक है, लेकिन जब कहा जाता है ब्रह्म तो यहाँ ब्रह्म की बड़प्पन, ब्रह्म की बृहत्ता ऐसा अभिप्राय नहीं है, बल्कि ब्रह्म का अर्थ ही होता है बृहत। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बृहत की बृहत्ता, ऐसा कहना अनुचित कथन होगा। अभिप्राय है त्रिविध आनंत्य, जिसमें समाविष्ट हो, जो त्रिविध परिच्छेदों से शून्य हो। बल्कि कल मैं एक वाक्य बोल रहा था, त्रिविध परिच्छेद सामान्य के अत्यंता भाव से उपलक्षित, माने जिसमें तीनों प्रकार के परिच्छेद नहीं हैं, उन परिच्छेदों का अत्यंता भाव है, ऐसा कहने से हमारी बुद्धि जिसको लक्ष्य करती है, हमारी बुद्धि जिस ओर उन्मुख होती है, वह तत्व ब्रह्म है। उपलक्षित का अभिप्राय होता है यह जो त्रिविध परिच्छेद का अत्यंत अभाव है, वो वस्तुतः ब्रह्म में लक्षण करके नहीं बताया जा रहा है। बल्कि जब हम किसी वस्तु में, मानिए एक वस्तु है, कल्पना करें उस वस्तु में तीनों परिच्छेद का अभाव एक बार समझते हैं, तीनों परिच्छेद को निकालते हैं, तो निकालने के बाद हमारी बुद्धि जिसको लक्ष्य करती है, जिसको उन्मुख करती है, जिधर उन्मुख होती है उसको बोलते हैं ब्रह्मा। वह व्यक्ति बड़ा नहीं है, वह व्यक्ति मोटा नहीं है। तो इसमें हमने कहा नहीं है, बड़ा नहीं है, मोटा नहीं है, तो हमने बड़प्पन को व्यक्ति में से निकाला और मोटाई को भी व्यक्ति में से निकाला, तो क्या हुआ, बुद्धि ने उस व्यक्ति में कुछ देखा कि नहीं देखा? क्या देखा, कि वो पतला है और वो छोटा है। तो व्यक्ति का जो पतला होना है और व्यक्ति का जो छोटा होना है, उधर बुद्धि उन्मुख हो गई, उसको बुद्धि ने लक्ष्य किया। कैसे लक्ष्य किया, विधि क्या है, तो बोले हमने कह दिया कि वो बड़ा नहीं है और वह मोटा नहीं है। तो इसी तरह से जब हम कहते हैं कि ब्रह्म नाम की वस्तु में त्रिविध परिच्छेद का अभाव है, तो आपकी बुद्धि अभावाकार नहीं होनी चाहिए,
ऐसा न हो जाए कि वेदांत कहे कि ब्रह्म में त्रिविध परिच्छेद का अत्यंत अभाव है, और ऐसा सुनने के बाद हमारी बुद्धि या तो अभावाकार हो जाए या उसको पतंजलि महर्षि के शब्दों में विपर्य वृत्ति बन जाए, हाँ विकल्प वृत्ति बन जाए। विकल्प वृत्ति का अर्थ क्या है? शब्दानुपाती, हाँ वस्तु शून्य, हाँ माने शब्द तो हमने सुना लेकिन उसका अर्थ हमारे चित्त में स्फुरित नहीं हुआ, ऐसा होता है। कई बार हम शब्द सुनते हैं और वृत्ति अर्थाकार नहीं बनती, तो शब्द सुनने के बाद भी वृत्ति जब अर्थाकार नहीं बनती है तो उस वृत्ति को बोलते हैं विकल्प वृत्ति। इसी तरह से यदि हम कहें कि ब्रह्म त्रिविध परिच्छेद सामान्य के अत्यंता भाव से उपलक्षित है, तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। वृत्ति अभावाकार नहीं बननी चाहिए और वृत्ति विकल्प वृत्ति न बन जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं व्यक्ति मोटा नहीं है लंबा नहीं है, तो वृत्ति अभावाकार नहीं बनती, वृत्ति विकल्प वृत्ति भी नहीं बनती। हम हमारी वृत्ति आकार लेती है कि वह पतला होगा और छोटा होगा, इसको बोलते हैं उपलक्षित, नजदीक से लक्षित कर देना। कल ये शब्द हमने बोल दिया था, किसी ने कहा कि ये बड़ा ही पारिभाषिक शब्द अथवा पारिभाषिक वाक्य का प्रयोग हुआ, इसका अभिप्राय क्या है? उपलक्षित, उपलक्षित माने उपसमीपे स्थितः सन्न लक्षितः, तीनों का अभाव है उसमें, ऐसा सोचने के बाद जो भाव बनता है, ऐसा तीनों का अभाव है उसमें, ऐसा अनुभव करने के बाद जो जो बुद्धि बनती है, जो प्रमा बनती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। बहरहाल वो विषय आता जाएगा, उसी का विस्तार होना है। तो ऐसा जो ब्रह्म है जिसमें त्रिविध अनंत सिद्ध है और वस्तुतः वह तीनों परिच्छेदों से असंग है, जिसमें कारणता नहीं है, जिसमें कलना नहीं है, जिसमें गर्भ विस्तार नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है उसको निरूपण करने की शैली क्या है? भगवान बादरायण ने अथवा भगवान वेदव्यास ने किस शैली का वर्णन किया है? तो उत्तर आया शैली है सूत्र शैली। इस शैली का नाम है सूत्र शैली, और इसीलिए ग्रंथ का ही नाम पड़ गया ब्रह्म सूत्र। सूत्र शैली विश्व के जितने विचारक हैं, केवल भारत के नहीं, विश्व के जितने विचारक हैं उनमें से बहुतों ने सूत्र शैली को वर्णन किया है, सूत्र शैली की महत्ता को समझा है। बल्कि कहना चाहिए आज जो विज्ञान है तो वो तो अपनी बात, बहुत सारी बातें जो हैं वो सूत्रों में ही कहता है। फार्मूला जिसको आप कहते हो, इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन, तो वो तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात में अपनी बात नहीं कहते हैं। एक सूत्र बोला, उसका मतलब हम लोगों के समझ में कुछ नहीं आता कई बार, लेकिन जो जानता है, सूत्र शैली से परिचित है, उस भाषा को जानता है, वो सूत्र द्वारा उपलक्षित, सूत्र द्वारा लक्षित समूचे कंसेप्ट को पकड़ लेता है।
अब मैंने केवल सुना है और याद रह गया है, तो कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फार्मूला E=mc2। अब ये सूत्र है हमारे आपके लिए, ये किसी भाव का जनक नहीं है, इसमें कोई अवधारणा हमारे अंतःकरण में जन्म लेती हो ऐसा नहीं है। हमने सुना है, सच में देखा जाए तो इसको सुन के हमारे भीतर तो विकल्प वृत्ति आती है, शब्दानुपाती है, अर्थ शून्य रह जाता है। लेकिन जो इस भाषा से परिचित है, जो इस भाषा का मर्मज्ञ है, वो इस सूत्र को सुनने के बाद हमारे जैसा नहीं रहेगा, उसके अंतस में तो प्रमा का उदय होगा। जो ऊर्जा की अवधारणा है वो उसके अंतस में खिल उठेगी। तो विचार की एक बड़ी ही सशक्त पद्धति, विचार की एक बहुत वर्णनीय पद्धति है सूत्र पद्धति। उसको मैंने इसीलिए कहा विश्व के समस्त विचारकों ने इसको अपनाया है। हमारे भारतीय विचारकों की बात कहूं तो बहुत प्राचीन काल से इस शैली से लोग परिचित थे, और वेदों के बाद माने अपौरुषेय ग्रंथों के बाद जो पहले ग्रंथ लिखे गए किसी भी दर्शन में, वो प्रायः सूत्र शैली में ही ग्रंथ लिखे गए। आप ब्रह्म सूत्र को देखो, जैमिनी सूत्र को देखो, मीमांसा सूत्र को देखो, अथवा वैशेषिक सूत्र को देखो, ये सारे सूत्र हैं, है ना? वैशेषिक सूत्राणी किसने लिखा, बोले कणाद ऋषि ने लिखा। मीमांसा सूत्र जैमिनी महर्षि ने लिखा। उत्तर मीमांसा हमारे भगवान वेदव्यास ने लिखा। व्याकरण में सूत्र शैली का प्रयोग किया गया, पाणिनि महर्षि ने सूत्र शैली में अपनी बात करी। ऐसी अनेक विद्याएं हैं भारतवर्ष की जो अत्यंत अत्यंत प्राचीन है। आयुर्वेद है, उसमें चरक सूत्र है, अत्यंत प्राचीन है, लेकिन उनका जो प्रणयन हुआ है, उनका जो प्रतिपादन हुआ है, वो सूत्र शैली में हुआ है पहले। एक मानो एक तरीका था, उन सूत्रों के ऊपर फिर लिखा जाता था भाष्य। और फिर भाष्य के ऊपर विवरण, टीका, ये दोनों ग्रंथ लिखे जाते थे। विवरण का भी अर्थ होता है खोलना, विद्रणोति, और टीका का भी अर्थ होता है उसको और स्पष्ट करके बताना। ये टीका शब्द से ही सटीक शब्द भी आता है। टीका का अर्थ होता है उसको स्पष्ट करना, ये शब्द संस्कृत का है ना, टीका, और फिर संस्कृत का ही शब्द है सटीक। सटीक, तो फिर टीका, फिर टिप्पणी, ऐसे ग्रंथ परंपरा चल पड़ती थी। सूत्र, भाष्य, टीका, टिप्पणी, विवरण, मूल ग्रंथ सूत्र, और उसी का विवरण करते 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 अनेक ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे जाते थे। स्वतंत्र ग्रंथ कई बार आचार्य लोग लिखते नहीं थे। अब मैं आपको बताऊं, बड़ा रोचक है, आनंद गिरी जी महाराज कलम के धनी थे, है ना? भगवान भाष्यकार की समूची रचना पर प्रायः उन्होंने
टीका लिखी है, उनका स्वतंत्र ग्रंथ क्या है यह पता नहीं चलता। स्वयं उन्होंने अपना ग्रंथ क्या लिखा है वो नहीं। निरंतर भाष्य के ऊपर ही टीका लिखते रहे। तो बहुत से ऐसे आचार्य मिलते हैं जो स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं करते, ग्रंथ परंपरा में कुछ योगदान कर जाते हैं। तो ये शैली हमारे यहां रही है। सूत्र का अर्थ मैंने जैसे बताया आपको कल, सूचकत्वात् एक तो अर्थ यह है, दूसरा है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदोह। असंदिग्ध हो, कम से कम अक्षर हो, सार विषय हो उसमें, और अगर मनन किया जाए उस पर तो वो बड़े व्यापक आकार ले सके, और अनवद्य हो, निंदनीय नहीं हो, निष्कलंक हो, किसी दोष से रहित हो, उसको बोलते हैं सूत्र। अब ब्रह्म सूत्र में कितने सूत्र हैं तो बोले 555 सूत्र हैं। ये शंकर संप्रदाय के अनुसार बोला हूं मैं, कुछ और संप्रदायों में थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी है, थोड़ा बहुत मैंने 10-5 के अंतर में, लेकिन शंकराचार्य की परंपरा में हमने 555 सूत्र प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया है, और भगवान भाष्यकार ने इन 555 सूत्रों के ऊपर अपना प्रसन्न गंभीर भाष्य लिखा है। ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो उनका भाष्य है उसको विद्वत समाज में मास्टरपीस बोलते हैं, सुंदरतम भाष्य है। वाचस्पति मिश्र जैसा महा महा विद्वान, आजकल सभी लोग सर्वदर्शनाचार्य लिखते हैं अपने आगे आगे पीछे, वो सच में सर्वदर्शनाचार्य थे। ईश्वर कृत सांख्य कारिका पे उन्होंने भाष्य लिखा, न्याय पे भाष्य लिखा, मैंने सभी दर्शनों के ऊपर प्राय उनका प्रभुत्व था, और अपने समय में वो प्राय सबके आचार्य थे, सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे, और उनको थोड़ा मान भी था। नेचुरली विद्वान होता है व्यक्ति तो थोड़ा मान होता है। तो उन्होंने जहाँ तक मुझे याद है न्याय के ऊपर भाष्य लिखते हुए कहीं ऐसा लिख दिया कि उसमें कुछ दोष रह गए हैं, तो मैं उस भाष्य से उस दोष का अपनयन करने जा रहा हूँ। जैसे कपड़े में कोई दोष रह जाता है तो धोने से वो स्वच्छ हो जाता है। अभी थोड़े मान की बात है ना, लेकिन जब शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर आते हैं ब्रह्म सूत्र में, तो महाराज दो श्लोक तो उन्होंने ऐसा लिखा है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, अर्थ उसका ऐसा है कि हमारी बुद्धि भाष्य का अनुगमन करते करते निर्मल हो जाएगी। हाँ, इस तरह लिखते हैं, उन्हीं का ये वाक्य है प्रसन्नम गंभीरम। ये हमारे वाचस्पति मिश्र का ही है। भाष्य का स्वरूप कैसा है तो बोले प्रसन्न गंभीर भाष्य लिखा है, पढ़ने में सुनने में प्रसन्न है, सहज है, उसमें कोई बहुत जटिलता नहीं दिखाई देती, प्रवाह है, कुटिलता नहीं है। कुटिलता मैंने आप दुष्ट वृत्ति से मत समझना, कुटिलता का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, उसमें टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, सहज प्रवाह है। लेकिन जहां तक निरूपण का विषय है वो अत्यंत गंभीर, अत्यंत अत्यंत गंभीर विषय है।
इसलिए कहा प्रसन्नम गंभीरम। ये श्लोक यहाँ मिल गया मुझे। लिखते हैं वाचस्पति मिश्र जी, नत्वा विशुद्ध विज्ञानम, देखो नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम। विशुद्ध विज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, शंकराचार्य जो करुणा के निदान थे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम भाष्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यते। ये एक स्तुति है। दूसरी स्तुति उन्होंने स्वयं की है, इसको भी आप चाहें तो लिख लें, बाद में ग्रंथ आपको शायद मिल जाए तो मिल जाएगा। नमामि अभोगि परिवार संपदम, नमामि अभोगि परिवार संपदम निरस्त भूति मनुमार्ध विग्रहम, निरस्त भूतिम अनुमार्ध विग्रहम अनुग्रमुन मृदित काल लांछनम। विना विनायकम अपूर्व शंकरम, अपूर्व शंकरम ऐसा ऐसा बोलते हैं। ये मधुरतम एक श्लोक और है भाष्यकार के बारे में। आचार्य कृति, ये ग्रंथ आउट ऑफ पब्लिकेशन हो गया ऐसा पता चला मुझे उनके मठ से ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब मिलेगा आपको तो मिलेगा। लिखते हैं आचार्य कृति निवेशनम अपि, आचार्य कृति निवेशनम अपि अवधूतम वचः अस्मदादीनाम। ये वाचस्पति मिश्र बोलते हैं, आचार्य कृति निवेशनम अपि अवधूतम वचः अस्मदादीनाम रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः, रथ्योदकमिव गंगा प्रवाह पातः पवित्रयति। ये वाचस्पति मिश्र जी महाराज कितना झुकते हैं भाष्यकार के आगे, आप देखो क्या लिखते हैं। अस्मदादीनाम वचः आचार्य कृति निवेशनम अपि अवधूतम, माने हमारी जो वाणी है वो भगवान भाष्यकार की कृति में निविष्ट होकर के, प्रविष्ट होकर के क्या हो गई, धुल गई, अवधूतम। अस्मदादीनाम वचः, हमारी वाणी भगवान भाष्यकार की कृति में निविष्ट होकर के, प्रविष्ट होकर के धुल गई। कैसे धुल गई, बोले रथ्योदकम इव, रथ्य माने गली बोलते हैं ना, रथ्या चरपट, हाँ, तो गली का जो नाला है रथ्योदकम, गली का पानी, रथ्योदकम इव गंगा प्रवाह पातः पवित्र रहती। जैसे गली का नाला, गली का पानी कह लो, गली का नाला कह लो, वो जब गंगा प्रवाह में पतित होता है तो पवित्र हो जाता है। अपनी वाणी को ऐसा बोला महाराज किसने, वाचस्पति मिश्र जैसे उद्भट विद्वान जिनकी तुलना उस समय किसी कोई था नहीं, जिसकी तुलना में सर्वमान्य विद्वान थे, उन्होंने भाष्य के ऊपर ये टिप्पणी की है। हाँ जी, तो सूत्र के ऊपर भगवान भाष्यकार ने 555 सूत्रों के ऊपर भगवान भाष्यकार ने अपना भाष्य लिखा है। 555 सूत्रों का जो विस्तार है, अब इसमें विभाग होगा, देखो
इन सूत्रों को चार अध्यायों में रखा गया है। पहला जो अध्याय है उसको बोलते हैं समन्वयाध्याय, समन्वयाध्याय माने तात्पर्य से, समन्वय से सारी श्रुतियों का प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मिक बोध है, ये इस अध्याय का विषय है। प्रत्यक्षतः तो विरोध है श्रुतियों में, प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि वेद के प्रतिपाद्य एक नहीं अनेक हैं, वेद का कोई एक प्रतिपाद्य नहीं है, प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है। ऐसा भी लगता है कि वेद का प्रतिपाद्य जहाज बनाना भी है, लोग आजकल बड़ा इसी में वेद का गौरव मानते हैं। वेद का प्रतिपाद्य भौतिक विद्या भी है, वेद का प्रतिपाद्य यज्ञ भी है, वेद का प्रतिपाद्य शायद चातुर्वर्ण व्यवस्था भी है, बलि देना भी है, अब पता नहीं क्या क्या है। हमारे तो गीता में भाष्यकार ने लिखा सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदो ब्रह्मा, वेद क्या है, सृष्टि में जितने वस्तु हैं, अर्थ का अर्थ होता है विषय, सृष्टि में जितने प्रकार के अर्थ होते हैं वेद ने सबको प्रकाशित किया है, इसलिए वेद सर्वज्ञ है और इसलिए वेद ब्रह्म है। देखो ऐसा कह दिया सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदो ब्रह्मा, ये तो विषय तो फिर वेद में असंख्य हो गए। अच्छा असंख्य नहीं समझ में आता, नहीं कहना चाहते तो अनेक तो कह ही सकते हैं, अनेक शब्द बहुत विचित्र है इसमें एक का निषेध है बस है कितनी दूर तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है ये मैंने असंख्य तक पहुंचा देता है, लेकिन आप सुविधा लगती है, देखने में अच्छा लगता है, अनेक न एक वाला, एक नहीं है इसमें, एक से ज्यादा है, कितना ज्यादा पता नहीं। तो अनेक प्रतिपाद्य लगता है वेद का, लेकिन समन्वय से तात्पर्य दृष्टि से वेद का प्रतिपाद्य केवल ब्रह्मात्मिक बोध में है, उसके अनेक प्रतिपाद्य नहीं है, इस बात को पहले अध्याय में प्रतिपादित किया गया, उसको बोलते हैं समन्वयाध्याय। दूसरा अध्याय है जिसका नाम है अविबोधाध्याय, अविरोधाध्याय माने जो वेदों में एक श्रुति दूसरे के विरुद्ध भासती है, केवल उपनिषदों में नहीं और उपनिषदों में भी एक श्रुति दूसरे के विरुद्ध भासती है, उस विरोध के आधार को मिटाना, विरोध होता नहीं, क्या है विरोधाभास है, तो विरोध के आभास को मिटाना इस अध्याय का मुख्य विषय है।
और वो आभास युक्ति पूर्वक भी मिटाया गया है। इस विसर्ध्या में युक्ति का भी प्रयोग किया है सूत्रकार ने, भाष्यकार तो फिर करेंगे ही करेंगे।